पंकज और शैली, क्या आप लोग एक बात बताएंगे मुझे? पूछिए दीदी। आपके घर में जो पुराने मोजे होते हैं, जिनकी एक जोड़ी खो जाती है या जो मोजे फट जाते हैं, उन मोजों का आप लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं दीदी। यही तो गलती करते हैं आप लोग। पता है उन मोजों से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? क्या क्या दीदी? बहुत सारे खिलौने बना सकते हैं। जैसे? जैसे बिल्ली, घोड़ा, गुड़िया और बहुत सारे खिलौने। पता है उन खिलौनों से आप फिर क्या क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं और अपने घर में भी सजा सकते हैं। अरे वाह, आप लोग तो बहुत समझदार हैं। पता है इसी तरह हम क्या करते हैं, पुराने सामान से काफी सारी चीजें बना सकते हैं और उनका उपयोग भी कर सकते हैं, यानी आम के आम और गुठलियों के आम। राखी, देखिए ये बिल्ली है, काली बिल्ली, ठीक। और ये हमने बनाई है एक गुड़िया पुरानी मोजा से, ठीक। अब आप लोग बच्चों ये बताओ कि सबसे पहले क्या चीज बनाना सीखेंगे? बिल्ली। अरे वाह वाह, बच्चों को तो भाई बिल्ली बहुत पसंद है, हैं? शैली, ठीक। अच्छा, तो अब बिल्ली बनाने के लिए हमको क्या चीज चाहिए? सबसे पहले तो ये पुराना मोजा जो आप लोग फेंक देते हैं वो हमको चाहिए, ठीक। तो एक मोजा हमने पहले लिया और उसको पहले थोड़ा सा फैला लिया, ठीक। फैलाने के बाद जो घर में पुरानी रुई पड़ी होती है उस रुई को आपने मोजा में भर लिया। शैली, समझ में आया आपको? शैली देख रहे हो बेटे, इस प्रकार से ये पहले रुई इसको मोजे को ये भरा, ठीक। पंकज देख रहे हो बेटे कैसे भरते हैं? हाँ, इसमें जो है ये रुई को इस प्रकार से बार बार अंदर भरा जाएगा, ठीक चाचा जी। ठीक, और रुई को हमें जो है टाइट भरना है ताकि उसका बिल्ली का मुंह अच्छा बने, बढ़िया। अगर ढीली भर देंगे तो उसका मुंह साफ नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, समझे राखी जी? चाचा जी, ये रुई पता है ये तो आपको घर में आसानी से मिल सकती है। हाँ। ये रुई जो है घर में पुराना तकिया हो जाता है उसमें निकाल ली, ठीक। निकालने के बाद उससे भर दिया, मतलब तो फेंकना नहीं कोई भी चीज, उसको उपयोग में लाओ किसी तरह। अब ये देखिए है, अब हम इसका बिल्ली का मुंह कैसे बनता है, ये इसको बीच से आधा पकड़ लेंगे, ठीक है। और आधा पकड़ने के बाद इसको कसके यूं करेंगे, दबाएंगे, ये देखिए, ठीक, ये दबा दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी रिबन घर में पड़ा हो या साड़ी की कतरन पड़ी हो उससे आपने क्या किया, इसके बीच में एक गिठा बांध दी। समझ में आया राखी जी? शैली देखा जी चाचा जी, इस प्रकार से एक गिठा बांध दी, देखा? हाँ। ठीक जी। अब इसका बिल्ली का ये मुंह बन गया है और ये पीछे का हो गया धड़, देखा सासुआ? ठीक, देखिए। अरे वाह पंकज, देखा है ना, आगे की तरफ कम और पीछे की तरफ ज्यादा रुई भरी है, मुंह की तरफ रुई जो है कम रहेगी और पीछे धड़ की तरफ रुई ज्यादा रहेगी, ठीक है, ताकि बिल्ली मोटी सी अच्छी से मालूम पड़े। अब इस पे क्या है, इसकी सजावट के लिए घर में आपके पास जो बटन पड़े हो या कोई आंख पड़ी हो, किसी जानवर की निकली हुई आंख पड़ी हो प्लास्टिक खिलौने की, तो वो आप इसमें लगा सकती हैं, उसको आप यहाँ पे लगा के सजा सकती हैं। ये होता है ये आँख है, ठीक। अब पता है आँखें कैसे लगाई जाती हैं, देखिए अभी आपको बताते हैं। आँख लगाने से पहले सबसे पहले हम आँख की जगह पर थोड़ा सा यू कैची से हल्का सा काट देंगे, ठीक है, छेद कर दिया है। आप क्या करेंगे, गोंद या लेई आप ले लीजिए और उसके बाद आपने ये क्या यहाँ पर लगा दिया, छेद में लगा दिया, ठीक है। और फिर ये इसको इसके आग को इसके अंदर चिपका दिया। अरे वाह, देखिए लगी। हाँ। इसी प्रकार से एक दूसरी भी लगा दी, शैली दिखाई पड़ रहा है जी? ये देखिए,
ये लग गया ठीक। अब इसी में एक नाक होता है, वो नाक लगा दीजिए यहाँ पर ठीक। फिर क्या करेंगे, इसके पीछे जो है मुंह पर थोड़ा सा वो लगा करके, बिल्ली की मूछ होती है ना, हाँ। वो बिल्ली की मूछ हमने लगा दी यहाँ पर ठीक। अब देखिए इस तरह से ये बिल्ली तैयार हो जाती है, पूरी बिल्ली तैयार हो गई ठीक है। इसमें क्या है, अब बिल्ली के कान कैसे बनाते हैं, कोई भी कागज हमने ले लिया और कागज को काट लिया, अरे ये तो पत्ती के आकार का है, एक पत्ती के आकार का कागज काट लिया ठीक है, और इसको बीच से हमने मोड़ लिया, ये मोड़ दिया ठीक है। और फिर उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिपका देंगे, देख रहे इसमें देखो चिपका नहीं, ये गोखाई आपने दो कान इधर चिपका दिए, ये आईज लगा दी, देखा बेटे क्या क्या लगा, आंख लग गई ठीक, नाक और मुंह ठीक है, और ये मूछ लग गई बिल्ली के ठीक है ना, और ये कान दो कान लग गए। अब गले में हमने फीता बांध दिया, या साड़ी का कोई भी किनारा पड़ा हो किनारा लगा के वो बांध दिया ठीक है, बिल्ली को सजा दिया खूब। तो आप बताओ बिल्ली में क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है, रुई रुई और रिबन शाबाश ठीक, नाक कागज। हाँ अच्छा, अब एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि कैसे बिल्ली बनाना हो तो क्या क्या चीज है ठीक। एक पहले सबसे पहले पुराना मोजा ले लिया आपने, मोजा में क्या किया पूरी रुई भर ली ठीक है, और आगे की तरफ रुई जो है थोड़ा सा कम भरेंगे ताकि उसका चेहरा बनाना है, मुंह बनाना है इसलिए, और धड़ की तरफ जो है रुई ज़्यादा भरेंगे, समझे सहेली ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक रिबन बांध देंगे ताकि उसका मुंह बिल्कुल टाइट रहे और अच्छा लगे ठीक। फिर उसमें हम क्या करेंगे, बिल्ली में दो आँखें लगाएंगे ठीक है, मुंह में क्या क्या चीज़ होती हैं, दो आँख होती हैं ठीक, एक नाक होता है एक मुंह होता है ठीक है, और ये मूछ लग गई ठीक है। गले में शो के लिए हमने कोई भी रिबन या किनारी ले करके उबाल दिया ठीक है। तो बताओ शरीर अच्छी लगी बिल्ली ठीक है, ठीक कैसा लगा, ठीक है पंकज ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं मोजा से, फिर से एक बार देखिए आप, एक तो हम डॉल बना सकते हैं, देखा गुड़िया, बच्चों को गुड़िया अच्छी लगती है, गुड़िया खेलते हैं ठीक है ना। तो मोजा कोई भी रंग का हो, पुराना मोजा घर में पड़ा हो किसी रंग का हो, वो सब आप मतलब अपने काम में ला सकते मतलब हैं, जो मुझे फट जाते हैं उनको काट पीट के बना सकते हैं। और इसमें क्या है, गुड़िया बनाने में क्या करते हैं आप देख रहे हैं, ऊपर हमने पहले रुई भरी है ठीक, उसको यहाँ पे बांध दिया ताकि चेहरा बन गया ठीक। ये पेट के ऊपर बनाने के बाद हमने कोई रंगीन पेपर ले लिया, पेपर पे किरण गोटा लगा के सजा दिया और उसके बांध दिया, तो ये इसका क्या बन गया, लहंगा बन गया ठीक है ना, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा इसी प्रकार से एक ये बनाया है खरगोश, ये देखिए हाँ, इसे जोकर भी कह सकते हैं आप, और ये खरगोश भी लग रहा है देखने में ठीक है ना, अच्छा है, अच्छा है। हाँ अच्छा, इसी प्रकार से एक चीज आप और बना सकते हैं, वो है मोजा का घोड़ा, आपको घोड़ा दिखाते हैं देखिए बच्चों, देखा क्या क्या लग रहा है, ये घोड़ा ठीक है। अब पुरानी मोजा से वो घोड़ा कितना सुंदर बन गया, और आप लोग मोजा फेंक देते हैं, बताओ अब से नहीं फेंकेंगे, आप ना फेंकना ठीक है। अब कोई भी चीज बनाना मतलब मोजा से कोई भी खिलौना बना लो अच्छे अच्छे, और उसको अपने घर में सजाओ ठीक। घोड़े में क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है मालूम है, बताओ, एक मोजा, मोजा डंडा चाहिए, डंडे में क्या करते है बेटे, सबसे पहले एक डंडा ले लिया, डंडे पे हमने कोई भी पुराना गोटा हो उस गोटे को हमने लपेट दिया इस प्रकार से, पूरे गोटे को देख रहे हैं, ये पूरा गोटा हम लपेट देंगे, तो इस प्रकार से ये डंडे में गोटा लपेट दिया ठीक है, समझ गए। और एक मोजा ले लिया, किसी भी रंग का मोजा हो ठीक है, इसमें भी वैसे ही रुई भरनी है जैसे हमने बिल्ली में रुई भरना बताया था आपको, ऐसे ही बिल्ली में और इस मोजे में पूरी रुई आप भर दीजिए। रुई भरने के बाद फिर उसमें क्या करते हैं, बस ये
यहाँ से रुई भर दिया और इसके पीछे हमने डंडा लगा दिया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है ना। अब इसमें भी क्या करते हैं, दो आंखें लगा दी, ठीक, और आगे मुंह के जो घोड़े के मुंह के ऊपर होता है ना, जो लकड़ी से लगाम बोलते हैं, ठीक है, तो ये देखिए काले काले रिबन से हमने लगाम बना रखी है। ठीक है, अच्छा सजा दिया, बढ़िया सुंदर। ठीक, फिर लाल रिबन से हमने इसके यहाँ बांध दिया ताकि और खूबसूरत बन जाए। ठीक है, तो अब ये क्या चीज बन के तैयार हो गई, घोड़ा। घोड़ा अच्छा लगा? हाँ, ठीक है, बताओ शाश्वत कैसा लगा? बहुत अच्छा। ठीक अच्छा। लगा तो बताइए आप घोड़े और मतलब मोजा से और क्या क्या चीज बना सकते हैं? बिल्ली, खरगोश, घोड़ा। ठीक, शाबाश।